इस बारी माता रानी की जो मूर्ति की हाइट है वो कितनी है? ये 20 फीट हाइट है। 20 फीट हाइट है, अच्छा। सर बात करें पंडाल की, तो पंडाल जो है वो किसके थीम पे बन रही है? कोलकाता के कालीघाट में एक देशप्रिया पार्क है, वो देशप्रिया पार्क में ये 3-4 साल पहले लगा। भैया आप लोग कहाँ से हैं? कलकत्ता का। कलकत्ता से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जग्गा की ब्लॉग्स में। दोस्तों सूर्य नारायण और नैला का दुर्गा पंडाल देखने के बाद आज अपन लोग आ पहुंचे हैं चांपा, और यहां बन रहे हैं, पीछे में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दुर्गा पंडाल बन रहे हैं। आइए जाके देखते हैं कि क्या होगा इस बारी खास, पंडाल जो है किसके तर्ज पे बन रहे हैं, सारी जानकारी आप सभी को देते हैं, तो बस वीडियो पे बने रहें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस बारी आप सभी को पंडाल देखने को मिलेगा। तैयारी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। आइए अंदर जाके देखते हैं कि किस प्रकार से इस बारी आप सभी को माता रानी की मूर्ति देखने को मिलेगी और क्या क्या तैयारी अभी है। भैया आप लोग कहाँ से हैं? कलकत्ता का। कलकत्ता से। हाँ। तो पंडाल बनाने वाले जो भैया लोग हैं उन लोग पहुंचे हुए हैं कलकत्ता से। आइए दोस्तों अंदर जाके देखते हैं, काफी बड़ा सा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं माता दुर्गा रानी की जो मूर्ति है उस पे काम जोरों शोरों से है। क्या क्या देखने को मिलता है आइए देखते हैं। तो ये देख लीजिए, इधर दिखा दें, ये सामने में दोस्तों माता दुर्गा रानी, और इधर लक्ष्मी माता है ना सर, ये लक्ष्मी माता, गणेश जी, और क्या है, सरस्वती माता, और वो कार्तिकेय भगवान। आइए पूछते हैं भैया लोग से जानकारी लेते हैं। तो भैया आप लोग कहाँ से हो? हमारा कलकत्ता से। कलकत्ता से। हाँ। मूर्तिकार कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो जैसे कि सुन सकते हैं, तो इस बारी माता रानी की जो मूर्ति की हाइट है वो कितनी है? 20 फीट हाइट है। 20 फीट हाइट है, अच्छा। और साथ में लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, इनकी इनके 15 फुट 15 फीट। हाँ। अच्छा, बाकियों की 15-15 फीट, बाकी सब 15-15 फीट। अच्छा, तो पंडाल भी आप ही लोग बना रहे हैं और मूर्ति भी अलग अलग है? अच्छा, अलग से आए। हाँ। तो भैया आप लोग कितने दिन से भिड़े हो? हमारा एक महीना है। एक महीना हो गया? हो गया। अच्छा, तो पूरा A to Z वर्क करोगे आप लोग? कब तक कंप्लीट कर दोगे? कम्प्लीट अखनो 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता में। हाँ। तो जैसे कि सुन सकते हैं यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कितना बताया माता रानी की मूर्ति को? 20 फीट। 20 फीट। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, माता रानी जो है इस बारी आप सभी को शेर पे सवार देखने को मिलेगा, और इस बारी कुछ हटके किया गया है। विगत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष में जैसे कि हमने देखा था कि माता रानी के 9 रूप देखने को मिले थे, लेकिन इस बारी लक्ष्मी माता है, दिखा देना उधर, गणेश जी हैं, और इधर ले आइए सरस्वती माता और कार्तिकेय भगवान आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। और पंडाल की बात करें तो देख सकते हैं इधर पीछे साइड काफी बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। तो दोस्तों अभी है हमारे सामने समिति के सदस्यगण भैया जी, तो इनसे जानकारी लेते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर इस बारी क्या खास होने वाला है? इस बार खास में ऐसा है, पिछले साल हम लोग उधर कोरबा रोड में बिठाए थे बालाजी सत्संग भवन में, और उसके प्रतिसाद को देखते हुए उस समय काफी अधिक मात्रा में भीड़ आई थी, वहाँ स्थान छोटा पड़ रहा था। इस बार बड़े प्लाट का चयन करके यहाँ हम लोग इसको शिफ्ट किए हैं। जगह परिवर्तन हुआ है सिवनी चौक में। सिवनी चौक। अब ये क्या है, यहाँ पर हम लोग को आयोजन करने में 2-4 आइटम, हम लोग जैसे वृंदावन की रासलीला की झांकी का एक बहुत बड़ा यहाँ पर वो बनाने वाले है स्वरूप, उसमें राधा कृष्ण का पूरा वो रहेगा, अंदर में वृंदावन की झांकी बन रही हॉल के अंदर में। हाँ। वो भी राउंडिंग में रहेगी, जो घूमते रहेगी, चलित झांकी रहेगी। चलित झांकी। और यहाँ पर सामने में रामलला और हनुमान जी के विराजमान होंगे फ्रंट में। हाँ। और अंदर में जो आपने तो देखा ही है। हाँ। जो हमारा दरबार बन रहा है, दरबार। इसके अलावा मथुरा के वेद पाठी 21 ब्राह्मण आ रहे हैं। हाँ। जो ब्राह्मण यहाँ पर लगातार सचंडी महायज्ञ का आयोजन करेंगे 9 दिन पूरे नवरात्रि के दौरान। हाँ। सचंडी का पाठ होगा प्रातः काल में। हाँ। और शाम को उसका हवन होगा। अच्छा। प्रतिदिन।
और इस तरह से कई सारे इसमें जुड़ने वाले हैं अभी, और लोगों का इस बार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और चांपा शहर पूरा एकजुट हो गया है इसके लिए। और कोसा कंचन और कासा की नगरी चांपा अभी ऐसा लग रहा है कि एक सूत्र में बन गई है, और सारे लोगों का ऐसा उत्साह हमारी समिति का वो लोग बढ़ा रहे हैं, पूरे शहर के लोग, और पूरे उत्साहित होके एकजुट होके पूरा शहर इस आयोजन को मजबूती से आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे रहे हैं। तो जैसे अपन लोग पिछले साल नौ दुर्गा देखे तो उससे भी भव्य होने वाला इस बारी उम्मीद तो है, माता रानी और भव्यता दे, उनसे ही उम्मीद करेंगे। अच्छा, भव्यता तो मनुष्य दे नहीं सकता। हाँ। हमारी सोच पूजा में है, और माता रानी का जितना हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं उतना करेंगे, उनको मनाएंगे, वो अपना रूप स्वयं लेंगी। सर बात करें पंडाल की तो पंडाल जो है वो किसके थीम पे बन रही है? कोलकाता के काली घाट में एक देशप्रिया पार्क है, वो देशप्रिया पार्क में ये तीन चार साल पहले लगा था। अच्छा। और वहाँ पर कई जो उनको अवार्ड मिलते हैं कलकत्ता के पंडाल को, ये टॉपर पंडाल था वहाँ का। अच्छा। तो उस समय से हमारे पास इसके फोटोग्राफ थे। पिछले वर्ष हमने पशुपतिनाथ मंदिर के टेम्पल के तर्ज पे एक पंडाल बनाया था, इस बार हम लोग देशप्रिया पार्क में जो टॉपर कलकत्ता का पंडाल था उस तर्ज पे पंडाल बन रहा है। और भक्त लोग कब से आ सकते हैं यहाँ दर्शन के लिए? 3 तारीख के सुबह 7 बजे घट स्थापना होगी, उसके बाद दर्शन प्रारंभ हो जाएगा नवरात्रि के प्रथम दिवस से, और 12 तारीख को सुबह पूर्णाहुति होगी और 13 तारीख को विसर्जन होगा। अच्छा। तो जैसे कि आप सभी सुन सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों चांपा में जोरों शोरों से तैयारी चालू हो चुकी है, और जैसे कि सर ने हमें बताया कि बहुत कुछ आप सभी को नया कुछ देखने को मिलेगा, तो आप सभी से निवेदन है कि आप यहाँ आवे और दर्शन करें। और इस वीडियो में बस इतने, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।